दोस्तों आज हम लोग भौतिकी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके फाउंडर कौन हैं, इनके तमाम बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा यूनिवर्स और ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, दिस इज आवर सन, ये सन है और सारे छोटे छोटे प्लैनेट हैं जो इसके चारों तरफ मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ये सर आइजैक न्यूटन है जो सेब के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और जब ये पढ़ रहे होते हैं उसी समय एक सेब इनके पास आ गिरता है और ग्रेविटेशन की खोज यहीं से शुरू हो जाती है। जब सेब इनके पास गिरता है तो ये सोचने लग जाते हैं आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये आसमान में भी जा सकता था, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये आखिर नीचे ही क्यों गिरा, इस तरह से ये सोचने लग जाते हैं। दिस इज आवर अर्थ। तो आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है जानते हैं। हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान सभी चार प्रकार के बलों के बीच गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है। प्रत्येक और हर पिंड अपने द्रव्यमान के आधार पर एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। Who discovered gravitational law? ग्रेविटेशनल लॉ की खोज किसने की? सर आइजैक न्यूटन। ये एक बहुत बड़े विद्वान साइंटिस्ट थे। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की, इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलस की खोज की और भी ढेर सारी बातों की इन्होंने खोज की। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं। दिस इज दी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इस प्रकार है। इन आवर यूनिवर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग अमंग एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेज ऑफ द बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। हमारे ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण पिंड के द्रव्यमान के सीधे आनुपातिक है और निकायों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर M1 और M2 दो पिंड की मास हो और R उनके बीच का डिस्टेंस हो तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाय R2, जहां पर G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पृथ्वी हर किसी भी को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यदि किसी बॉडी को स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वापस गिर जाता है। इफ ए बॉडी फॉल्स फ्रीली देन इट एग्जीक्यूट्स ए फ्री फॉलिंग मोशन एंड द बॉडी कम नियर द अर्थ सरफेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस एंड द एक्सेलरेशन produced is called acceleration due to gravity. The velocity of the body increases and the acceleration produced is called acceleration due to gravity. If m be the mass of anybody describing a free falling motion, then due to the pressure of force of gravity, the weight of the body equal to mg, where g equal to 9.8 meter per second square or 32 foot per second square. गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, यदि कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है तो यह एक गिरती हुई गति को निष्पादित करता है और पिंड पृथ्वी की सतह के पास आ जाता है। बॉडी का वेग बढ़ता है और उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं।
यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m हो तो गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति के कारण शरीर का वजन उस बॉडी का वजन mg हो जाएगा, जहां पर m बराबर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 32 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बीच संबंध देखेंगे। अब हम लोग स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल g मास ऑफ अर्थ बाय r स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। यूनिट एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल g, कैपिटल g का मान और मात्रक अब हम लोग देखेंगे। इसके फाइंडर हैं हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने कैपिटल जी का पता लगाया और उसका एक प्रॉपर वैल्यू दिया, जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।